कैसे हैं दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल में। और मेरा नाम है अनुराग। लास्ट में जो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे मैंने एसिडिटी और डिहाइड्रेशन के ऊपर कुछ बताया था, तो उस वीडियो को देख के कुछ भाइयों ने ये पूछा है, कुछ भाइयों ने ये मेरे को मैसेज किया है कि सुबह आपने ये तो बता दिया कि पूरे दिन हाइड्रेट और पूरे दिन जो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उससे कैसे बचें, लेकिन प्लीज़ आप ये बता दीजिए कि सुबह सुबह जल्दबाजी का जो माहौल होता है, जल्दी निकलना होता है, उसमें ऐसा क्या खा के निकलें कि हमारे शरीर में न्यूट्रिशन और जो एनर्जी है उसका लेवल मेंटेन रहे, उसका लेवल बना रहे। कोई ऐसा फूड बताइए जिसको खाने के बाद आप एटलीस्ट 2-3-4 बजे तक अगर ना खाए, एनर्जी जो लेवल है वो ज़्यादा ना कम हो। तो उसी पे मैं आपको लाइक बहुत दिन हो गए हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का, आज मैंने उसी पे एक छोटा सा आपको सॉल्यूशन देने के लिए ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि सुबह सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। उस ब्रेकफास्ट को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट इस नाम से ही पता चलता है कि आपको अपना जो रात में जो 8-10 घंटे का, 7-8 घंटे का, जो 10-12 घंटे का जो फास्ट है उसको ब्रेक करना है। तो ब्रेकफास्ट को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, उसको करना ही होगा। और ब्रेकफास्ट जितना अच्छा, जितना हेल्दी और जितना न्यूट्रिटिव होगा उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। तो उसी को देखते हुए मैं आपको एक बहुत ही हेल्दी, सिंपल और क्विक ब्रेकफास्ट बता रहा हूँ, जिसको आप अगर ले कर घर से बाहर निकलते हैं, जिसको अगर आप खा के या पी के बाहर निकलते हैं, तो आप एटलीस्ट 2-3-4 बजे तक आप अपना एनर्जी लेवल मेंटेन करके रख सकते हैं और आपके शरीर को पूरे पूरे न्यूट्रिशन मिलेंगे। दोस्तों इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ और सिर्फ ग्रॉसरी स्टोर से कच्ची मूंगफली लेके आइए। कच्ची मूंगफली को रात में भिगो दीजिए, 2 मुट्ठी मूंगफली। मूंगफली को आप 2 मुट्ठी मूंगफली रात में पानी में भिगो दें, साफ पानी में एक बाउल में भिगो दें, और चाहें तो उसमें 2 किशमिश और 1 बादाम भी डाल दें। उसके बाद जब सुबह हो जाए तो उस मूंगफली को निकाल के मिक्सर ग्राइंडर में डाल के उसके बाद आप 1/2 कप पानी उसमें ऐड करें और अपनी स्वादानुसार जो भी है डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेट आप उसका एक शेक बनाएं, और चाहे अगर उसमें बनाना डालना हो बनाना डाल दीजिए, या फिर जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हों अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपके घर में, उसमें वो डाल के आप एक बढ़िया सा शेक जैसे भी आप पीते हैं वो बना लें। अगर आपको उसको मीठा करना है तो उसमें आप गुड़ डाल सकते हैं, हनी डाल सकते हैं, लेकिन चीनी ना डालें। गुड़ या हनी डाल के आप उस शेक को 1 गिलास या 1.5 गिलास पी के आप घर से बाहर निकलिए। बिलीव मी, इससे ज़्यादा एनर्जी देने वाला और इससे अच्छा ब्रेकफास्ट मील कोई नहीं होगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो मूंगफली है वो मूंगफली जो न्यूट्रिशन देती है वो ऑलमोस्ट आलमंड्स के इक्विवेलेंट है। कुछ एक चीज़ है उसमें जो कम है या 1-2 चीज़ें हैं कि नहीं है, बाकी सारी जो चीज़ें हैं ना वो ऑलमोस्ट जो बादाम है ना उसके बराबर आपको न्यूट्रिशन देती है और मिलेगा। तो इससे अच्छा कोई भी आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। बिलीव मी, 3-4 बजे तक आप हेल्दी और एनर्जेटिक फील करेंगे, आपके जो स्किन है उस पर ग्लो आएगा, आपकी जो याददाश्त है वो बढ़ेगी, एंड आप कॉन्सेंट्रेट करके अपना जो भी काम है वो कर सकते हैं। इम्यूलें बिलीव मी, ये मैं खुद ब्रेकफास्ट यूज़ करता हूँ और इसके अलावा फिर मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट सवाल के जवाब के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग, थैंक यू।